सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये व्लॉग क्यों आया है, थंबनेल से सबको पता लग गया होगा कि व्लॉग क्यों आया है। भाई जान, हमने लगवा लिया है 3070 Ti, जो कि फुल शशके करा रहा है। एंड में दिखाऊंगा, अभी नहीं, पूरी वीडियो देखो, अनबॉक्सिंग व्लॉग पूरा का पूरा सेट है, तो पूरी वीडियो देखो, एंजॉय करो। और सीन ये हुआ था कि मैंने जब पीसी बिल्ड करवाया था, अभी रिसेंटली जब मैंने अपग्रेड करवाया था i9 में, तो मुझे कार्ड नहीं मिला उस टाइम पे। मैं ढूंढ रहा था 3060 Ti, लेकिन हमारी किस्मत में था 3070 Ti, तो हमें 3070 Ti हमने ले लिया है। भाई अभी मेरे सामने पड़ा हुआ पीसी लगा हुआ, उसके अंदर बड़े मजे से प्यारा प्यारा लग रहा है मुझे। सीन ये हुआ था कि जी मैंने ऑर्डर करवाया हुआ था, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो चुके थे ऑर्डर करवाए हुए, तो अब जाके वो आया, तो मैंने फिर बाय कर लिया, खरीद लिया और हमने लगा दिया। अनबॉक्सिंग देखो उसकी पहले, फिर मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा लगा हुआ कैसे लगेगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग हमने शॉप पे की थी, क्योंकि वहां पे लगाना था, क्योंकि वो मेरे केसिंग के तो पूरा नहीं था आ रहा, तो उसको सेट करना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ था। फिर उसके बाद क्या ना, मैं तुम्हें एंड पे अपना पीसी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। गाइज ये है जोटेक का 8GB AMP एडिशन होलो ब्लैक 3070 Ti, जिसमें एडवांस कूलिंग है, RGB बत्तियां हैं और भी बहुत कुछ है। बूस्ट क्लॉक इसका जो है वो 1830 है, ठीक हो गया। और 256 bit है, DDR6 है, और जो मॉनिटर ये सपोर्ट करता है वो करता है तकरीबन 4। और अब इसका जो बॉक्स है वो बहुत प्यार से आपने खोलना है, अगर ये ख़राब हुआ तो 20,000 गया। और ये सामने इसका वारंटी कार्ड है, और 2 साल की लोकल वारंटी के साथ ये कार्ड आया हुआ है। और जब आप इसका ये हटाओगे सामने से, तो आपको सामने आपका कार्ड और इसकी जो 8-pin SATA केबल होती है वो आपको नज़र आएगी, जिससे पावर मिलती है इसको। और बहुत ही प्यार से आपने, मतलब ऐसे समझ लो कि आप बहुत ही प्यार से इसको आपने, बहुत ही प्यार से, ठीक है, आपने इसको बाहर निकालना है। और इसकी शक्ल जब आपको नजर आएगी ना, ओए होए होए, चेक करो यार, चेक करो मेहनत। हाय गाइस, ये हमारा कार्ड है, जो कि बहुत प्यारा कार्ड मिला है मुझे, मेरी किस्मत में था, मिल गया मुझे। एंड बस सो गाइस, ये है, ये वायर जो है ना, ये मुझे चेंज करानी, ये भी हम RGB लगवाएंगे। और ये हमने 4 RAMs करवा दी कोर्सेज की, RGB Pro। एंड ये अपना कार्ड लगा, देख रहे हो कितना लंबा सारा कार्ड है, वो नीचे तक जा रहा है, ठीक है, पूरा नहीं था आ रहा, लेकिन फिर हमने एडजस्टमेंट वगैरह कर करके इसको बीच में फिट कर ही दिया, क्योंकि केसिंग मुझे बहुत पसंद आई हुई है, जिस तरीके से इसमें कार्ड लगता है, जिस तरीके से सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है, तो मैंने इसलिए कहा यार और क्या करवाना है। तो ये था हमारा गाइस पीसी बिल्ड पूरा, मतलब मेरा ड्रीम पीसी है यार ये, कि i9 लगाओ, अच्छा कार्ड लगाओ, और ऐसे कूलर शूलर लगे हों फुल टाइम, और RGB बत्तियों के साथ, ठीक है। तो वो सारा कंप्लीट हुआ है, शुक्र है अल्लाह पाक का, कि भाई मैंने इतनी, मतलब 2 साल की मेहनत है, 2 साल के अंदर अंदर मैंने ये अपना पीसी तैयार किया है। 660 Ti से मैं 3070 Ti पे 2 साल के अंदर पहुंचूं, तो भाई मेहनत करते रहो और बस मिल जाए कि तुम्हें हर चीज़ मेहनत पर सब कुछ होता है। बस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।